तो अभी जस्ट सो के उठा था दोस्तों, अब है अलार्म लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि 3 बजे 3:30 वगैरह मेरा सेकंड मील होता है। आज कार बिल्कुल, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं। अब आ गए अपने जिम पे। तुम क्या ले के आओ भाई? केले, ये देख लो भाई, इनकी तो डाइट अच्छी चल रही है, फुल गेनिंग चल रही है। अब जाएंगे जिम में, जिम में देखते हैं क्या कर रहे हैं लड़के। चलो भाई रनिंग कर, आधा घंटा भागना है। जय श्री श्याम। आज है मेरा डे 13 101 हार्ड का। अभी सो के उठा था, आज रात को नींद बहुत अच्छी आई। तो ये अभी ना वॉक मैंने रात को बढ़ा दी है, पहले कम वॉक करता था, अभी है कि 15-20 मिनट ज़्यादा कर लेता हूँ, तो थकावट हो जाती है, फिर नींद अच्छी आती है। तो मेरा जो रूटीन है डेली का भाई, सब कुछ वही है अपना। पानी गर्म हो रहा है इसके अंदर, ये जीरे का पानी है, ये मैं गर्म करके अपना दोपहर को या शाम को भी पी लेता हूँ। ये रहा अपना मेथी दाना, तो अब इसको भाई खा लेंगे। इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं मेरे को, काफ़ी पावर भी मेरी बढ़ गई है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, पहले एक्सरसाइज थोड़ा सा कम होती थी, थक जाता था, अब एक ही एनर्जी ज़्यादा आ गई है। निकल गए थे सुबह सुबह अपने जिम के लिए, अभी थोड़ा दूध वाले ने लेट कर दिया। आज निकल गए थे जिम के लिए भाई, घर से अपनी स्कूटी खड़ी है, निकलेंगे जिम। ठीक है, अब आ गए अपने जिम पे। तुम क्या लेके आओ भाई? केले, ये देख लो भाई, इनकी तो डाइट अच्छी चल रही है, फुल गेनिंग चल रही है। अब जाएंगे जिम में, जिम में देखते हैं क्या कर रहे हैं लड़के। अभी सुबह सुबह देखते हैं क्या कर रहे हैं लोंडे। हाँ भाई चलो, सुबह सुबह मस्ती मारते रहते हैं, जब तक मैं आता नहीं हूँ ना, सारे सारे लोंडे मस्ती मारते रहते हैं। हाँ, और क्या कर रहे थे? अभी अभी आए तुम उस्ताद जी, प्री वर्कआउट पी रहे बस। प्री वर्कआउट पी रहे हो? अब करेंगे भाई, अपनी पूजा करेंगे। और सिंगम भी आ गया, जय श्री श्याम। अगले भी बॉडी बनाने पे ध्यान दे रहा है पूरा, इसने ही बहुत वेट घटा लिया भाई। तो अब सुबह अपना खाली पेट मैं करता हूँ जो मेरा डेली का रूटीन है, आधा घंटा रनिंग खाली पेट। आज सूरज भी बहुत अच्छा दिख रहा है, सुबह सुबह ताज़ी फ्रेश हवा लेनी चाहिए भाई, पार्क में रनिंग करो कहीं भी करो। आज मेरे साथ सिंगम भी करेगा, इसने 60 किलो वेट कम किया है, एक फ़ोटो डालूंगा मैं इसकी बिफ़ोर आफ्टर की। 60 किलो वेट कम करा है इसने, अभी 10 किलो और कम करना है। तो आज से ये मेरे साथ रनिंग करेगा, ये भी इसमें शामिल हो चुका है मेरे। चलो भाई रनिंग कर, आधा घंटा भागना है। और ये बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेज नहीं खाता, सिर्फ प्योर वेजिटेरियन डाइट से ही फैट लॉस करा है, और अभी और भी करना है वेट लॉस। तो सुबह सुबह भाई आप भी कहीं पार्क में जाया करो, या घर पर छत पे जंपिंग, पीटी, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी चाहिए आपको भी। मैं तो सुबह भाई खुली छत पे करता हूँ, बिल्कुल सूर्य देवता के दर्शन भी करो, और सुबह सुबह थोड़ी सी धूप भी मिल जाती है, विटामिन डी भी मिल जाता है। तो अब थोड़ा सा सिंगम को भी वर्कआउट करा देते हैं। सिंगम कर अपना शोल्डर का वर्कआउट, ऊपर लेके जाइए पूरे हाथ, और रैप है तेरे 30 रैप। चल 30 रैप से ज़्यादा रुक कम, ठीक है, उससे कम नहीं करने। लगा, इसने ही भाई बहुत मेहनत करी है, बहुत मोटा था ये, 60 किलो वेट घटाया, तो सोचो आप कैसा होगा। अभी भी इसका वेट 97-98 है, 140-145 किलो, बहुत बढ़िया। चल तो अब है अपना वर्कआउट टाइम, अपना लेंगे Q&T का कार्नी पंप, कि है मेरा फिटनेस का पार्टनर, फैट लॉस के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए और एनर्जी के लिए। मॉर्निंग
आज करेंगे अपना शोल्डर का वर्कआउट। पहली एक्सरसाइज जो होगी मेरी डंबल प्रेस, इसके मैं करूंगा 8 सेट और रैप रहेंगे मेरे 12 से 15। ये करनी कैसे है, स्टैंडिंग करूंगा बैक सपोर्ट लेकर। अब है ये 8 सेट करने आज डंबल प्रेस के। धर्मेंद्र पीछे आ, खड़ा हो जाए, इसमें दोनों पैर लगा ले। तो शोल्डर के 8 सेट करने के बाद डंबल प्रेस करे थे 8 सेट, अब पूरे डेल्ट की पंप हो गए हैं। अब करेंगे अपनी चेस्ट की पहली एक्सरसाइज, फ्लैट बेंच पर डंबल प्रेस। इसके 6 सेट करूंगा, रैप इसके भी 15 के आसपास रहेंगे। 6 सेट हैं इसके, रैप 15। हर सेट में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ता रहेगा। तो अभी हल्का है, फिर थोड़ा थोड़ा वेट हर सेट में बढ़ाएंगे। फिर हो गई, ये देख लो, इसको फैट कम करना है और यहाँ बैठा हुआ है। कभी केक खाता रहेगा बीच बीच में। जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर ले अपनी, 100-100 होगी, 200-200, 1000 जंपिंग कर पूरी। इस लास्ट एक्सरसाइज ये मैं करूंगा डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। इसके 6 सेट हैं, रैप रहेंगे 15। हर एक सेट में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएंगे। तो जिम से वर्कआउट करने के बाद, प्रोटीन पीने के बाद मैं आ गया था अपना जो फर्स्ट मील है मेरा लेने, नीरज की शॉप पर। नीरज की एक शॉप है भाई, डेली बहुत बढ़िया तरीके से भाई अंडे छीलता है। चिकन विकन भी अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, और ये सारे लड़के जो सप्लाई करते हैं जिसको वहाँ जिम में पहुँचाना हो सामान। तो आज मेरी डाइट में है 12 अंडे हैं वाइट, और नीरज इनके 2 एग योग निकाल दियो, नहीं 10 अंडे के एग योग निकाल दियो और बाकी सब छोड़ दियो। आज थोड़ा गुड फैट ज़्यादा खाएंगे, हेल्दी होता भाई, एग योग जरूर खाने चाहिए, 2 अंडे के तो आप रोज़ खाओ। नहीं भाई, डाइट हो गई थी रेडी, अब इसको खाएंगे, इसको खाएंगे, कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगी भाई इसको खाने में। तो अभी डाइट लेंगे, फिर अपना जो सेकंड मील। तो अभी जस्ट सो के उठा था दोस्तों, अब है अलार्म लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे मेरा सेकंड मील होता है। आज कार बिल्कुल, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है कार में, तो आज ऑलमोस्ट कार की जो मेरी डाइट है लगभग ना के बराबर ही होगी। अभी मूली ले रखी है मैंने 200-250 ग्राम के आसपास, 250 ग्राम फिश है और थोड़ी सी हरी चटनी ले रखी है भाई, स्वाद आ जाता है। इससे क्या होता है कि अब ऐसे तो खाया नहीं जाता रोज़ रोज़, क्योंकि रोज़ खाना है, अब हरी चटनी डालता हूँ थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये भाई फैट लॉस की ये प्रॉपर डाइट है जो मुझे अब रेगुलर करनी पड़ेगी। पहले मैं सब कुछ खा लेता था भाई, रोटी सब्जी दाल सब कुछ खाता था, तो उससे क्या है कि हाई कैलोरी जाती थी। अब लिमिटेड है मेरे पास कि मुझे इतना खाना है, इससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं सकता। तो आप भी अगर फैट कम करना चाहते हो तो अपना एक
रूटीन बनाओ कि मुझे इतना खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना, पेट भर के कभी नहीं खाना एक बार में, ठीक है? तो आज की डाइट वाइट खाते हैं, एंजॉय करेंगे। आज शाम को भी वर्कआउट करूँगा क्योंकि कल संडे है, कल इतना वर्कआउट हो नहीं पाएगा, तो एक आज शाम को कर लूँगा, बैक का वर्कआउट करूँगा मैं के पास अपनी डाइट लेने। तो मेरी डेली की डाइट है वो यही है कि अपना देख सकते हो आप, फिश है 250 ग्राम, थोड़ी सी प्याज है, मूली है और फिश खाएंगे। तो डेली का रूटीन सही चल रहा है अपना। आज 13वां दिन भी कंप्लीट हो ही चुका है, कल संडे है, कल वर्कआउट अपना देखेंगे, सकते ही करेंगे घर पे। जो भी होम वर्कआउट होगा वो वीडियो में जरूर डाल दूंगा। ये दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी हो रही है, कल ये भी सेट करा के आनी है, थोड़े बाल वाले भी कटवाएंगे, थोड़ा सा हीरो बनेंगे कल। तो कहाँ जाएंगे बाल वाल कटवाने ये भी दिखाएंगे। तो बस भाई अब करते हैं अपना डिनर, लास्ट मील है, इसके बाद आधा घंटा घूमना है हमें, फिर सो जाएंगे। गुड नाइट।